रबिशहली सदरी वयसली अमरी वाहलोक ततम लिसानी यफकाहु कौली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, बुलंद आवाज से सलवात में। जो पीछे बैठे हैं वो थोड़ा थोड़ा आगे आ रहे हैं। एक इतनी बुलंद आवाज से सलवात पढ़े जितना आपके करीब आले मोहम्मद हक रखते हैं। एक बुलंद आवाज से सलवात। हमद अल्लाह के लिए जो हर तरह से लायक हमद है, और दुरूद सलाम अल्लाह के मुस्तफ़ा मुर्तज़ा मुज्तबा बंदों के लिए जिन्होंने वैशी को इंसान, इंसान को सुलेमान और सुलेमान को मुसलमान बनाया। जिन हस्तियों ने बेजर को देखा तो बुजर बनाया, बेदर को देखा तो मिगदाद बनाया, मजबूर को देखा तो मुख्तार बनाया। करोड़ सलाम उन हस्तियों के लिए जिन हस्तियों ने कंकर को नवाजा तो दुर बनाया, आसी को नवाजा तो हुर बनाया। मौला पाक आप तमाम हजरात मोमिन मोमिनात को इस मजलिस पाक पर तशरीफ़ आवरी का बेहतरीन से बेहतरीन अजर अता फरमाए। बाने मजलिस खाल के कौन हैं, इनकी मेहनत कोशिश काविश खर्च अखराजात लंगर न्याज की दो और नियत अपनी बार गालिया में कबूल व मकबूल फरमाए। आपकी जितनी भी जायज़ मुरादें हैं मौला पाक आपकी तमाम जायज़ें कबूल व मकबूल फरमाए। दुआओं की कबूलियत के लिए बुलंद तर सलावात। मेरे से पहले बेहतर पढ़ने वाले पढ़ गए, मेरे बाद और ज़्यादा बेहतर पढ़ने वाले पढ़ेंगे। यह सफ़र है जिक्र अहले बैत का, इसमें सिर्फ हाजिल गवानी होती है। पहला मिसरा अर्ज करने लगा हूँ, मुझे वो अकल का अंधा समझ नहीं आता। जो समझ है मेरी उससे बात है। मुझे वो अकल का अंधा समझ नहीं आता जिसे कदीर का मौला समझ नहीं आता। मुझे वो अकल का अंधा समझ नहीं आता जिसे गदीर का मौला समझ नहीं आता। चौथे मिसरे पे वो बंदा बोले जो बंदा गदीरी बन के बैठे बाकियों की अपनी मर्जी। मुझे वो अकल का अंधा समझ नहीं आता जिसे गदीर का मौला समझ नहीं आता। ये मेरे शहर का हाफिज भी कैसा हाफिज है, ये मेरे शहर का हाफिज भी कैसा हाफिज है, किताब याद है नुकता समझ नहीं आता। जी आप सलामत रहें। किताब याद है नुकता समझ नहीं आता। अब मैं जो मिसरा पढ़ने लगाऊँ, ये मेरा कद छोटा है, मिसरे भरे हैं। ये जवान पाँव पर उठ के दाद दें, दाद थोड़ी है बात भड़ी है। मौला की कसम अगर इससे पहले इतना बड़ा शेर सुना तो जुब बैठना, अगर पहली बार सुने तो उतनी कीमत देना जितनी कीमत बनती है। फलक से दुम्बे का आना तो समझ आता है, फलक से दुम्बे का आना तो समझ आता है, अली का रिश पे जाना समझ नहीं आता। फलक से दुम्बे का आना तो समझ आता है, अली का अर्श पे जाना समझ नहीं आता। जी हाँ आप सलामत रहें, मौला आपको बाद रखे। शिया सुनिए इकट्ठे बैठे की थोड़ी बात है, मैं शिया भाई को भी वेलकम कर रहा हूँ, मैं सुन्नी भाइयों को भी वेलकम कर रहा हूँ। एक नबी की उम्मत इकट्ठे बैठ के मेरे मौला की औलाद का गम मने की थोड़ी बात है। जो है उनका शुक्रिया, जो किसी वजह से नहीं आ सके उनसे कोई गिला नहीं, लेकिन ये जो बातें करते हैं ना उनको एक मैं मशवरा देके जा रहा हूँ। वो कहते हैं हम आते नहीं, मैं कहता हूँ वो आ ही नहीं सकते। मौलाना शम्स तबरेज के ये मिसरे, मजलिस के तबर्रुक जहाँ बांटे नहीं जाते, मजलिस के तबर्रुक जहाँ बांटे नहीं जाते, मजलिस के तबर्रुक जहाँ बांटे नहीं जाते, उन लोगों से मिलने हम नहीं जाते। ऐ मुनकर करारे अलीयुन वलीअल्लाह। चौथे मिसरे पे बारगाह की दीवारें बोले तो बोलिएगा वरना चुप रहिएगा। पहले बंदे से लेके वो आखिरी बंदे तक, पहले अली वाले से लेके आखिरी अली वाले तक। चौथा मिसरा रोह में उतरे और नारा यहाँ से लेकर नजब तक ना जाए तो तासीर की खरैत पे नाज करने का क्या फायदा। रब्बे हुसैन की कसम माफी मांग के कह रहो, मजलिस के तबर्रुक जहां बांटे नहीं जाते, उन लोगों से मिलने हम नहीं जाते। ऐ मुनकर करारे अलीयुन वलीअल्लाह, तहलीज़े नजब चूमने कभी कुत्ते नहीं जाते। आपने नारा लगाया, मैं आपके लिए चार मिसरे पढ़ता हूँ।
आला है कौन कौन, आली है कौन कौन, आला है कौन कौन, आली है कौन कौन, जरा देख हैदर के दर का सवाली है कौन कौन, नारा लगा के देख तू हैदर के नाम का, नारा लगा के देख तू हैदर के नाम का, चेहरे बताएंगे हलाली है कौन कौन। तुसी भी नारा ला देता, मैं थोड़े लिए विचार दूसरे पढ़ जिसने झूम के लगाए नारे हैदरी, जिसने झूम के लगाए नारे हैदरी, उसने तमाम बजम का ईमान पढ़ लिया, और जिसने भी जवाब में बोला याली, और जिसने भी जवाब में बोला याली, उसने एक सांस में कुरान पढ़ लिया। पहला लफ्ज़ अदा करने लगा हूँ आज की गुफ्तगू का, अगर आप इधर उधर ना देखें अली को असूले दीन में शामिल कर लें तो इस मजलिस तक अगले साल तक आपको ये मेरे मिसरे नहीं भूलेंगे। पूरी कायनात में जिस इंसान के कदमों से उठी हुई धूल का आखिरी जर्रा जबरील की आंखों की बनाई छीन ले उसे अली कहते हैं। थोड़े लोग बोले, पूरी कायनात में जिस इंसान के कदमों से उठी हुई धूल का आखिरी जर्रा जबरील की आंखों की बनाई छीन ले उसे अली कहते हैं। जो वैशी को इंसान बनाने का गुण जानता हो उसे अली कहते हैं। फिर इंसान को मुसलमान बनाने का सलीका जानता हो उसे अली कहते हैं। जिसके लिए मुसलमान को सुलमान बनाने के लिए अदना सा मसला हो उसे अली कहते हैं। जो बेपरो परवास को शब्बाज बना दे उसे अली कहते हैं। जो अपने दर के गदागर को कलंदर बना दे उसे अली कहते हैं। अब ये लफ्ज आया हो गया तो यकीन जानिए मुझे बहुत अरमान लगेगा, पहले बंदे से लेकर आखिरी बंदे तक अगर किसी बंदे का हाथ नीचे रह गया तो यकीन जानिए मुझे बहुत अरमान लगेगा, मेरे जिगर का खून लग रहा है। जो मजबूर को मुख्तार बना दे उसे अली कहते हैं। जो मिट्टी से खेलने वाले को बहलोल बना दे उसे अली कहते हैं। जो एक जर्रे को शम्बस बना दे उसे अली कहते हैं। फिर शम्बस को अपनी मोहब्बत से लबरेज करके शम्बस तबरेज बना दे उसे अली कहते हैं। लफ्ज़ों को सुनने वालों, लफ्ज़ों को समझने वालों, मैं कह रहा हूँ लफ्ज़ों को सुनने वालों और लफ्ज़ों को समझने वालों, अली उसे कहते हैं जो अपने दुश्मन को घर बैठे ही उसका अंजाम दिखा दे। जिसके दुश्मन को ना जमीन बना दे ना आसमान बना दे अली उसे कहते हैं। अब किसी का हाथ नीचे रह गया तो दरवाजे शाहे बिनत नजफ से तासीर मांगने का क्या फ़ायदा। अगर ये मिसरे ज़ाया हो गए तो यकीन जानिए मैं मिसरे ही पढ़ना छोड़ दूंगा। ज़माने में अली वालों की सुल्तानी नहीं जाती, ज़माने में अली वालों की सुल्तानी नहीं जाती, इसी बहस पे मुनाफिक की परेशानी नहीं जाती, अली के दुश्मन की आकबत पहचान लमोसन। जो बंदा ये ठान के बैठे कि मैंने नलैन शाह को दांत नहीं देनी, वो मुझे बंदा दांत ना दे, मुझे उसकी दांत चाहिए। लेकिन जिसकी रगो में इश्क अली है, जिसके सीने में हक है, फिर उसे दांत लेना मेरा हक बनता है। ये बारगाह की दीवारें बोले तो बोलिएगा वरना चुपरेगा, पूरे बारगाह में आवाज गुनी गया हंस लेकर चौथे आसमान तक, चौथे आसमान से लेकर सातवें आसमान तक आवाज गुनी चाहिए। कैमरा मैन कल आपने कैमरा मेरी तरफ नहीं करना, इनकी तरफ करना, आपने मुझे वो बंदा बताना है जिस बंदे का हाथ नहीं उड़ता। जमाने में अली वालों की सुल्तानी नहीं जाती, इसी बहस में मुनाफिक की परेशानी नहीं जाती, अली के दुश्मन की आकबत पहचान लो मोहसिन, वो मरते हैं तो उनकी शक्लें पहचानी नहीं जाते, वो मरते हैं तो उनकी शक्लें पहचानी नहीं जाती। जी हाँ, आप सलामत रहे, मौला आपको बाद रखे, इत्तेहाद कभी किसी कमीने के मोहताज ना हो। अल्लामा अरफ़ान दराबदी कहा करते थे, अकबर पढ़े वो जिसने पढ़ने के बाद मर जाना, अकबर सुने वो जिसने सुनने के बाद मर जाना, अकबर पढ़ने के बाद ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं, अकबर सुनने के बाद ज़िंदगी का कोई फ़ायदा। मैं आपको कैसे सुनाऊँ, अकबर बुरखों में पाला वो हुसैन का लाडला बेटा, जिसके बगैर हुसैन रहते ही नहीं थे। शाम गरीबा जब नेज़ों पर सरबुलंद किए
सूरजमुखी का फूल देखे जिस तरफ सूरज मुड़ता है उस तरह मुड़ता है। जब इस हरामजादे ने अकबर का संदेश पे बुलंद किया जिस तरह अकबर का सर मुड़ता था उस तरह हुसैन का सर मुड़ता था। इसने बाप और बेटे की मोहब्बत देखी, इसने अकबर का सर संदूक में बंद कर दिया। 11 मुहर्रम की रात जब हुसैन का सन्नेजे पर नजर नहीं आया, इसने सज्जाद की कमर से कपड़ा हटाया। इसने कहा सज्जाद तेरे बाबे हुसैन का सर कहाँ है? सज्जाद ने कहा पहले तू बता मेरे अकबर का सर कहाँ है? इसने कहा संदूक में है। सज्जाद ने कहा ताला खोल। इसने ताला खोला, हुसैन अकबर के होंठों पे होंठ रख के कह रहे थे ओए आंखें खोल ओए बाबा करीब। जब जख्मी गिरी ना जीन से, जब हुसैन जख्मी गिर गया जीन से, मुर्तजिस करीब आया, कमला खैमे में जाऊँ के पैरा दूँ। हुसैन ने कहा ना मुर्तजिस जंग ना करना, टीले के पीछे चला गया। मुर्तजिस मैं तुझे जिबा होते हुए कैसे देखूँ, तू मेरी पुश्त का सवार है मोहम्मद का बेटा। हुसैन ने कहा फिर एक एहसान करेगा? मुर्तजिस ने कहा तू मालिक है तो हुक्म कर। हुसैन ने कहा मैं बड़ा जख्मी हो गया हूँ, मुझसे उठा नहीं जा रहा, मुझसे बैठा नहीं जा रहा, तो अपनी कमर झुका, मैं तेरे कमर में बाहें डालूँ, मुझे मेरे गरीब की लाश पे ले जा, मुझे मरने से पहले मेरे अकबर का चेहरा दिखा दे। सदात वगैरह सदात से माफ़ी मांग के सात विदे हैं अली अकबर के, बाबा के पास है बाबा मौत की इजाज़त। हुसैन का इंसाफ कर, तू बड़ा बाप हो, तेरा जवान बेटा हो, तुझसे मौत की इजाज़त मांगे तू देगा? अकबर अपनी माँ से मांग, अकबर आलिया के खेमे की तरह बड़ा, नमाज पढ़ी थी अली की नमाजी बेटी, माँ ने बेटे के चेहरे से सवाल पढ़ा, कहा तू भी मरने जा रहे, माँ को कातलों में अकेला छोड़ जाएगा, माँ को जबलों में अकेला छोड़ जाएगा। अकबर ने फिक्रा कहा, करबला हिलगी, रो के कहता मैं किसका बेटा हूँ? कहा जैनब का, ये तो दरवाजे पर रो रहा है, ये किसका बेटा है? जहरा का, रो के कहता क़यामत वाले दिन जहरा ने पूछ लिया मेरा बेटा, रोता रहा तो अपना बेटा बचाती रही, रो के कहती है लाख अकबर हो मैं जहरा के बेटे से बाहर। फिर कहती है ऐसे नहीं जाने दूंगी, फिजा जी बीबी सारी सैयदादियों को मेरे खेमे में बुला, उनसे कह मेरे अकबर की बारात जा रही है। 64 की 64 सैयदादियाँ आलिया के खेमे में आई, अकबर घोड़े की जीन पर बैठे, अकबर के घोड़े के गिर्द हल्का बांधा, हर बीबी ने हाथ में पत्थर पकड़ा, बुरका हटाया, पत्थर का मातम शुरू किया और कहा वाह हिजाबा वाह मोहम्मदा वाह अलिया। इधर आलिया के खेमे से खून की नदी चली, उधर हुसैन की आवाज़ें जैनब मातम रो। कोई बीबी अकबर से कह रही है अकबर नीचे उतर, मैं तेरे हाथ चूमूं, मैं तेरा माथा चूमूं, मैं तेरी पेशानी चूमूं, मैं तेरे टखने चूमूं, मैं तेरी आस्तीने चूमूं। के कह रही है नीचे उतर, मैं तेरी आंखें चूमूं, तेरा चेहरा चूमूं, तेरी दाढ़ी चूमूं। अकबर का घोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा, एक 4 साल की सैयदादी है, रो के कहती उनके कद भरे थे, उन्होंने हाथ चूमे, उन्होंने सीना चूमा, उन्होंने पेशानी चूमी, मेरा कद छोटा है, अपना पाँव रकाब से बाहर निकाल। अकबर ने पाँव रकाब से बाहर निकाला, अकबर के पाँव के ऊपर बोसा दे के कह दिया सुगरा का बोसा, उसने मुझे कह के भेजा था जब अकबर की बारात। दुरूद बर मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद। अब जनाब साकिर जैन अब्बास जीवंत से गुजारिश करूंगा कि वो मिंबर पर आए और जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएं, और इनके फौरन बाद जनाब साकिर आसिफ कमाल हैदर जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। दुरूद बर मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद। बारे दीगर सलावात